आप सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे पाइल्स बवासीर। ये बहुत खतरनाक रोग है और आजकल अधिकांश लोगों को पाया जाता है। ये कई स्टेजेस में होता है। शुरुआती दौर में तो कई बार रोगी को पता ही नहीं चल पाता कि उसको पाइल्स हो गए, बवासीर हो गया। कब्ज होने पर व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है और फिर पाइल्स होने के बाद फिस्टुला, भगंदर, तमाम तरह के और खतरनाक स्थिति पस पड़ जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? सर्जरी इसका कोई खास अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद भी बार बार पाइल्स की प्रॉब्लम होती रहती है। तो हमें अपने कब्ज को ठीक करना है। कब्ज को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान को ठीक करना है, अपने दिनचर्या को ठीक करना चाहिए। खान पान में हम अपने फाइबर युक्त अधिक भोजन ग्रहण करें। आपके खाने में फाइबर होना चाहिए। चोकर युक्त आटे का प्रयोग करें और गर्मियों के दिनों में जौ के आटे का प्रयोग करें और उसको छानना नहीं है, उसमें चोकर रहना चाहिए। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम उनके लिए तो खास तौर पर, क्योंकि जब आप फाइबर निकाल देते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। जो आप खाते हैं रोटी, वो ठीक से पाचन नहीं हो पाते और वो आंतों में मल रुकने लगता है। तो आपको फाइबर युक्त भोजन करना है, आपको फल अधिक खाने हैं, सलाद अधिक लेना है। आपको फल और सलाद कितना खाएं? जितना आपका वेट है, अगर आप 70 kg वेट है आपका, तो आप कम से कम 700 ग्राम फल और सलाद, कच्ची सब्जियां 700 ग्राम हर रोज खाओ। पानी की मात्रा पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। पानी भी कई बार कम होने से व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कई तरह के दूसरे रोग भी पानी की कमी से होने लगते हैं। तो पानी भी आपको प्रॉपर पीना है। अगर आपका 70 kg वेट है तो कम से कम 5 से 7 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है गर्मियों के दिनों में। तो सर्दियों के दिनों में आप 3 से 5 लीटर पानी जरूर पिए। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है या जनरल स्थिति में भी आप इतना पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पेट से संबंधित अधिकांश समस्याएं आपकी ठीक हो जाती हैं। तो आपको फाइबर ऐड करना है, आपको पानी ठीक पीना है, आपको फल खाने हैं, आपको सलाद खाना है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के बाद आप पाएंगे कि आपके पाइल्स की समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। यदि फिर भी आपको पाइल्स की समस्या रहती है तो आप क्या करें? आपको मार्केट्स में किसी भी कंपनी का, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो पुरानी कंपनियां हैं, अभेरिस्ट ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 4 चम्मच अभेरिस्ट और 4 चम्मच पानी उसमें मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार आप इसको सेवन करें तो इससे आपके पाइल्स की प्रॉब्लम में बहुत लाभ होगा। तमाम तरह की दवाइयाँ पाइल्स के लिए मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। तो आप यदि खान पान को ठीक करेंगे तो आपको ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोग अगर बढ़ गया, बहुत पुराना हो गया है, तो आपको प्रॉपर चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए और अंडर गाइडेंस अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कराएं। रात को सोने से पहले आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। 1/2 चम्मच त्रिफला और 1/2 चम्मच सौंफ पानी में उबाल कर आप इसे सोने से 1 घंटा पहले, जब पानी 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए, और सिम में रख के इसको उबालना है आपको। सोने से 1 घंटा पहले आप इसे सेवन कर लें तो इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन को यदि आपने ठीक कर लिया तो आपकी पाइल्स की समस्या ठीक हो जाती है। पाइल्स अपने आप में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसका मूल कारण कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन यदि ठीक नहीं किया तो आप कितनी भी सर्जरी कराते रहें, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, बार बार होती रहेगी, बार बार आप फिर से उन्हीं समस्याओं से घिरे रहेंगे। और पाइल्स में भी जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी बहुत सरल सा उपाय है कि नारियल की जो दाढ़ी होती है, नारियल के जो ऊपर का जो कवच होता है, उसको आप अग्नि में उसकी भस्म बना लें, उसको जला लें और हर रोज दोपहर के समय 1 गिलास छाछ के साथ लगभग 1 ग्राम नारियल की दाढ़ी की भस्म जो आपने बनाई है
घर में ही आप आसानी से बना सकते हैं, उसको दोपहर के समय छाछ के साथ एक गिलास छाछ से आप सेवन कर लें। तो ऐसा एक सप्ताह भी करेंगे तो आपका जो ब्लीडिंग का इश्यू है वो तो एकदम से ठीक हो जाएगा। साथ में जो मैंने दूसरे उपाय बताए हैं, अपने खान पान को ठीक करते हुए, त्रिफला का प्रयोग करते हुए आप अपने पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई भी समस्या हो, आपका रोग बहुत पुराना हो गया है, तो आप आरोग्यम के दिए हुए संपर्क सूत्रों पर आप संपर्क करें और चिकित्सक से प्रॉपर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पाइल से मुक्ति पा सकते हैं और योग का अभ्यास भी जरूर करें। इसमें योग में आप क्या करें, योग में आप अश्वनी मुद्रा करें। अश्वनी मुद्रा बहुत इफेक्टिव है पाइल्स की समस्या के लिए। अश्वनी मुद्रा में आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जैसे लीद करने के बाद अपने एनस के भाग को ऊपर खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है, ऐसे ही आपको सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखें बंद अपने फोकस को पूरा अपने एनस भाग पर ले जाएं और पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हुए एनस को ऊपर की ओर खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ऐसे 30 से 40 बार आप करें। दोनों समय करें, सुबह भी करें शाम के समय भी करें। और जब आप मल त्यागने के लिए वॉशरूम जाते हैं तो भी वहाँ बैठकर भी आप अश्वनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, हर रोज़ 11 से 21 सूर्य नमस्कार करें। थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन और सूर्य नमस्कार के लिए हमने YouTube पर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देखें कि सही विधि से कैसे इसको किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव रखें और अपने आप को आप पाइल से मुक्ति दिला सकते हैं, पाइल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से योग आयुर्वेद से जुड़े रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी को प्रणाम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।